मेरा नाम स्वाति प्रसाद है। दादी का नाम? नाइक सुविधा दिनेश बाबू। बिचकौली बटेश्वर। टाइम में आपका स्वागत है। पहली गेट में फर्स्ट में आपने जो क्वालिफाई की, देश का प्रदेश का नाम किया, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा पाटी जी, ये बताइए, जो आपके मन में ये आया था पढ़ना कि मैं इस पद पे जाना चाह रही, तो आपको उमंग कैसे उठी? ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था। मतलब जैसे मैं, मेरा जैसे डिफेंस बैकग्राउंड है, मेरे पापा जी डिफेंस में सर्विस करते हैं, JCO है, नाइक सुविधा है, तो उनको मैं देखा करती थी कैसा उनका डिसिप्लिन है, ऑफिसर्स वगैरह को भी देखा करती थी कैसी उनकी पर्सनालिटी है और कैसे वो एक लीडर हैं, एक बहुत अच्छे लीडर हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और ये चीज़ कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में करियर बनाना है, यही मेरे लिए रास्ता है। ये NDA का पेपर जो मेरा रिटर्न का हो गया था, फिर उसके बाद अपने आप होता चला गया। अच्छा, आपने कितने घंटे पढ़ाई करती थी इसमें? बेसिकली मैंने JEE की तैयारी की थी, तो JEE की तैयारी के लिए हो जाते थे, दिन में एक टाइम टेबल बनाया करती थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इसमें आज ये कंप्लीट करना है, मैथ में ये करना है, ऐसे पढ़ा करती थी, हो जाते थे 12-13 घंटे ऐसे हो जाया करते थे। अच्छा, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है जो आपने अपने देश का, प्रदेश का और क्षेत्र का नाम रोशन किया? बहुत खुशी है, क्योंकि सिर्फ ऐसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो मेरी तरह कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी एक रास्ता मिलेगा, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, करने को होता है और किया जा सकता है। इसका अपनी सफलता का श्रेय किसको देती हो? सभी को है, मतलब मेरे आसपास के सभी लोग, अब मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे भाई बहन, सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिस वजह से मैं यहाँ हूँ, और मेरे प्रभु, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, इस वजह से मैं यहाँ हूँ। अपनी फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों को यही कहना चाहूँगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, करने से सब होता है, बस मेहनत होनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास, बस अच्छी, अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो तुम अपना अपनी मंजिल ज़रूर पाओगे। अच्छा, लास्ट सवाल है, जो आपने पहला कदम रखा पढ़ाई का, किस स्कूल से रखा? मैंने, तब मुझे ऐसे ढकेल के भेजा जाता था, लेकिन फिर वहीं से मुझे रास्ता पता चला कि हाँ, पढ़ाई का क्या महत्व है, और मैंने वहीं से पढ़ाई शुरू की और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपकी सफलता के लिए जिंदवा टाम को तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, आगे बढ़ो, खुश रहो, यही हमारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ सर जी, जिंदवा टाम में आपका स्वागत है। आज क्या प्रोग्राम था? आज यहाँ पर हमारे विद्यालय में शुरुआतों के दिनों में शिक्षा ग्रहण की स्वाति प्रसाद ने, जिनका आज सेना में कमीशन के लिए सिलेक्शन हुआ है, और ये बधाई के पात्र हैं, और इसलिए विद्यालय में आज इनका स्वागत किया गया है। और स्वाति का सेना में कमीशन में जाना गांव, विद्यालय, क्षेत्र, जनपद एवं प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें, क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे बच्चों को हम प्रेरणा देना चाहते हैं। स्वागत करने का हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर एक जागृति आ जाए कि मतलब उन्हें पढ़ने का लगन, दूसरा ये बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं है, जो मन लगा के अपना पढ़ेगा, मन लगा के मेहनत करेगा पूरी ताकत के साथ, वो आगे भविष्य में कामयाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी को भी हो। यही हम छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि सभी छात्र अपनी पूरी निष्ठा और मन लगा के अपने जिस भी विषय मन लगाना है उसमें जुट जाएँ और भविष्य में कामयाबी हासिल करें। बच्ची ने जो टॉप तो देश में नाम, जिले में नाम उसे किया है, जो आज इस पद पे है, उसका फैक्ट्री जो है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत बड़ा गर्व हो रहा है, इतना मतलब इतना फख्र है कि मैं अस्वस्थ होने के बाद भी मैंने अपना पूरा अपना समय दिया है,
और मैं मुझे इसका बहुत बड़ा गौरव दूँ कि मतलब छात्र स्वाति ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की जो गांव और क्षेत्र के लिए भी और विद्यालय के लिए भी और शिक्षा का एक स्तर को बताया कि बिजकोली जैसे शुरुआत के दिनों में अच्छा स्तर नहीं था शिक्षा का, लेकिन आज ये सामने आ रहा है कि मतलब हमारे बच्चियां इस स्तर तक पहुंच रही हैं। सभी की बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने स्कूल में आई जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा शुरू की। मुझे यहाँ आके अपने शिक्षकों से मिलके बच्चों में इतना उत्साह देख के बहुत खुशी हो रही है। संदेश यही तो ये सब नहीं होता सुनने का, काम की बात होती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस यहाँ तो इंटरनेट भी आता है, यूट्यूब वगैरह भी चलता है, जब यूट्यूब वगैरह पर फनी वीडियोज देखी जा सकती हैं तो पढ़ाई की वीडियोस भी देखी जा सकती हैं। बुक्स बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल होती हैं, मुझसे बात भी कर सकते हो आप लोग, कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको हेल्प करूँगी। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो यही है कि अपना लक्ष्य सेट करो और ऐसा काम करो कि कोई ये ना कहे कि ये एक लड़की है, यही सोचे कि लड़की पैदा हुई है, लक्ष्मी आई है, अपना और देश का नाम रोशन करेगी। थैंक यू। बहुत ज्यादा कह दो उसको डाल दो चार। मैं विनीता दुसाद, मेरी बेटी स्वाति दुसाद, मेरी बेटी ने बहुत नाम किया है। मैंने टाइम से अब वो अपने आप ही एकदम पढ़ने में अग्रसर थी। आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, क्या संदेश देना चाह रही हो अपने हम साथियों को? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने जैसे नाम रोशन किया है, वैसे ही सारी बेटियाँ भी अपने माँ बाप का रोशन करें। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मैं दिनेश बाबू, सेना में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिस चीज़ के लिए सेना में 6 बार कमीशन के लिए ट्राई किया
और लेकिन वो मैं हासिल नहीं कर पाया, वो मेरी बेटी ने करके दिखा दिया, तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था। जिस दिन वो सिलेक्शन सेंटर बोर्ड देहरादून में रिकमेंडेशन हुई थी, तो मेरा एक डे था, वो मोमेंट ऑफ डे था कि जिस दिन मैं बहुत प्राउड फील हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि हर माँ बाप को इस तरह की खुशी हमेशा मिलती रहे, उनके बच्चे हमेशा नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। आपकी बच्ची ने पूरे उत्तर प्रदेश में और ज़िले में और क्षेत्र में नाम किया, रोशन किया है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली बात यह है कि ये सब जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।